सामने केदारनाथ टेम्पल दिख रहा है और यहाँ से देख सकते हैं आप पुल। तो पुल से सबसे पहले पार्थ जाना है। ये देखें, ये वही नदी है जहाँ पे आपदा आई थी 2013 में, और अब जाके यहाँ पे पूरा काम हो चुका है पुनर्निर्माण का। और यहाँ पे देखें और बर्फ देख सकते हैं आप, चारों ओर बर्फ। समर में और भी अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि समर में हरियाली ज़्यादा होती है। अभी वाइट चादर बिछी हुई है, तो समर में आएंगे तो पूरी ग्रीन आपको लगेगा यहाँ पे। देख सकते हैं अभी ट्रैक बर्फ में होता यह है कि ये बर्फ बहुत दब जाती है और थोड़ा फिसलन का डर होता है। जैसे इस वाले में बर्फ में हम पैर रखेंगे अंदर घुस जाते हैं, लेकिन ये जो दब जाती है वो एकदम आइस बन जाता है, तो इसमें गिरने का थोड़ा सा डर बना रहता है। बाकी लोग जा रहे हैं, भैया जी कैसा है आगे फिसलन है? नहीं नहीं सही है, बढ़िया है। हर हर महादेव, कैसे रहे दर्शन? ये देखे थोड़ा फिसलन है, तो भाई जी ऊपर ऊपर चल रहे हैं क्योंकि नीचे दबाई है बर्फ और उसमें फिसलने का डर होता है। तो ये डॉगी भी चला है भैरवनाथ जी की ओर, स्वर्ग रोहिणी की ओर, जैसे पांडवों के साथ चले थे। चले हेलो, आजा। तो कहते हैं जिस यात्रा पे कुत्ते भी साथ हो तो वो यात्रा सबसे अच्छी मानी जाती है, सफल यात्रा मानी जाती है। और यहाँ पे एकदम स्टेप बने हुए हैं, यहाँ से देखें केदारनाथ जी कैसे एकदम लग रहा है, पूरा साफ दिख रहा है। कल जी कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। बिहार से? तो कैसे लग रहा है आपको? थोड़ा फिसलन में डर लग रहा होगा अभी। चलो आराम आराम से चलो, एकदम पैर टिका के। तो जय बोले हर हर महादेव। आप अंकल तो बिना जूते के चल रहे हैं, तो ये इससे बड़ी भक्ति कुछ नहीं हो सकती है इतनी ठंड में। और केदारनाथ के आज की एक बात करूं यात्रियों की, देख सकते हैं यहाँ से लाइन लगी हुई है, यहाँ से सीधा पुल पार, फिर वहाँ से नीचे, और यहाँ से घूमते हुए ये लाइन जाती है यहाँ से ऊपर। ये देखो यहाँ से ऊपर सीधा मंदिर के लिए, तो देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। ये मंदिर यहाँ से नीचे, यहाँ यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ से घूम के, फिर वापस पुल, पुल से घूम के, फिर यहाँ तक। यहाँ पर बेनिफिट ये है कि रेलिंग्स बनी हुई हैं, अगर फिसल भी जाए आदमी तो नीचे ना लुट के, तो इसका थोड़ा सा बेनिफिट है। तो मैं लगभग पहुँच चुका हूँ भैरव मंदिर। और एक चीज़ बता दूँ, जैसे आप यहाँ पर चढ़ोगे, बर्फ गिरी है तो चढ़ते टाइम आप इजीली चढ़ जाओगे, नीचे जब उतर रहे होते हैं तो तब बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मतलब मैं इतना बर्फ पर चलता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे को भी परेशानी होगी। खैर अभी मेरे को ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है, नॉर्मली चल रहा हूँ, लेकिन जब नीचे डाउन उतरूँगा तो उसमें बहुत परेशानी होने वाली है। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ भैरवनाथ टेम्पल, और ये देखें एकदम टापू पे, सबसे बड़ी बात टापू नहीं, एक पत्थर के ऊपर बस मैं स्थित मंदिर है। ये देखें, जय हो। शिव कैलासों के रा, जय हो भैरवनाथ।
देखें यहाँ से एकदम केदारनाथ बहुत साफ दिखता है। और ये देखें, ये देखें, तो मैं हूँ अभी भैरवनाथ टेम्पल में। बेसिकली ये टेम्पल एक टापू पे नहीं, एक पत्थर पे है, और यहाँ से केदारनाथ का व्यू एकदम पूरा दिखता है। जब भी आप भी केदारनाथ आ रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, अगर समर में आ रहे हैं तो उस टाइम पे भी काफ़ी हरियाली यहाँ से दिखती है, चारों ओर हरियाली। अभी विंटर में हूँ तो विंटर में भी नहीं हूँ, अभी बर्फबारी काफ़ी हुई है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, एकदम फायर फाइट चारों ओर। और इस मंदिर की बात करूँ तो जब भी इस मंदिर का जिक्र होता है सबसे पहले मेरे मन में सुशांत सिंह राजपूत आते हैं, क्योंकि यहीं पर उनकी एक फ़ोटो वायरल हुई थी जो सारा अली खान के साथ थी। तो एक बार आप भी आए जरूर, नज़दीक है केदारनाथ, आ रहे हैं तो ये व्यू मिस ना करें। बाकी बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। और फिलहाल के लिए पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, बाकी सपोर्ट करें, तो धन्यवाद।